दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कल यानी कि 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दो बड़े सुपरस्टारों की दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। एक तरफ थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2, जिसको सिनेमाघरों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को 4 स्टार मिले हैं, यानी कि फिल्म इतनी शानदार है कि इस फिल्म के कलेक्शन में काफी बड़ा उछाल हमें दूसरे दिन देखने को मिला है। दोस्तों ये मैं पहले से ही आपसे कहता हूं, अगर कोई फिल्म बढ़िया होगी तो कोई नहीं रोक सकता है, वो चलेगी चलेगी, कमाई करेगी, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहेगी। अगर आप खराब फिल्में बनाओगे, खराब फिल्मों पे काम करोगे तो जनता उनको नहीं देखेगी, जैसा कि अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों के साथ हुआ। लेकिन ओ माय गॉड 2 को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, बावजूद इसके सामने खड़े हैं सनी देओल गदर 2 को लेकर, जिसको आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचने वाला रिस्पांस मिल रहा है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में ओ माय गॉड 2 अपने फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन करने में कामयाब रही, वहीं दूसरे दिन आज फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, और सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने अपने पहले दिन कितनी कमाई की, कितना बड़ा इतिहास रचा, और आज अपने दूसरे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म ओ माई गॉड 2 की, तो अमित राय के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था विपुल दत्त शाह और अरुणा भाटिया ने। फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अहम किरदार में नजर आए। फिल्म का बजट लगभग 160 करोड़ रुपए का है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ओ माई गॉड 2 का जो बजट है वो 160 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जब कल ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो वाकई सिनेमाघरों से इस फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला। जिस किसी ने भी इस फिल्म को देखा, फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहे, यहां तक कि पंकज त्रिपाठी की जो एक्टिंग है, अक्षय कुमार की जो एक्टिंग है, वो फिल्म में बहुत ज्यादा कमाल की है। और फिल्म की कहानी को जिस तरह से दिखाया गया है शुरू से आखिर तक, एक सेकेंड के लिए भी आप बोर नहीं हो रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि अक्षय कुमार की यह फिल्म भी लंबी चलने वाली है, और अक्षय कुमार का जो सूखा पड़ा था हिट फिल्मों का, वो अब खत्म होने वाला है, और मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट होने वाली है। अपने पहले दिन फिल्म ने पूरे इंडिया से 10 करोड़ रुपए कमाए थे। यहां पे आपको गौर करने वाली बात है, पहले दिन फिल्म का जो कलेक्शन था 10 करोड़ रुपए था। सनी देओल की फिल्म गदर 2 सामने थी, फिल्म का जो टोटल इंडिया में ग्रॉस रहा वो 12.5 करोड़ रुपए रहा। ओवरसीज से फिल्म ने कमाई की अपने पहले दिन 5 करोड़ रुपए, लेकिन ओवरसीज का ऑफिशियल अपडेट नहीं है। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा पहले दिन का, वो रहा 17.5 करोड़ रुपए का। अब मैं अगर बात करूं दूसरे दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों पहले दिन फिल्म ने 10 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन पॉजिटिविटी मिलने के कारण, यानी कि फिल्म को तारीफें मिलने के कारण, फिल्म ने दूसरे दिन के कलेक्शन में अच्छा उछाल मारा है, और फिल्म आज दूसरे दिन कमा रही है 15 करोड़ रुपए, और फिल्म का दो दिनों का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 25 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है। तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 31 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर रहा है। ओवरसीज में फिल्म कमा रही है दो दिनों में 10 करोड़ रुपए, हालांकि जो ओवरसीज का कलेक्शन है वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में फिल्म अपने पहले दो दिनों में ही 41 करोड़ रुपए करने में कामयाब हो रही है। तो ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 के लिए, और अक्षय कुमार के लिए खुशखबरी भी है क्योंकि फिल्म लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में चलने वाली है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे गदर 2 की, तो गदर 2 की जितनी तारीफें करें कम है, 22 सालों का इंतजार, और 22 सालों का इंतजार जिस तरह से खत्म हुआ, पहले ही दिन फिल्म को जितना शानदार रिस्पांस मिला वो काबिले तारीफ मिला, क्योंकि इससे पहले किसी भी फिल्म के लिए इतना प्यार हमने नहीं देखा था जितना कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 के लिए देखा है। जहां दोस्तों ये बिल्कुल सच है, गदर 2 ने वो कारनामा करके दिखाया है जो बॉलीवुड में बड़े बड़े अभिनेता भी आज तक नहीं कर पाए थे। गदर 2 को सिनेमाघरों से इतना शानदार रिस्पांस मिला है जो वाकई काबिले तारीफ और देखने लायक है। अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बताता चलूं मैं कि गदर 2 को इंडिया के अंदर 3800 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, और प्रोड्यूस भी इसको अनिल शर्मा ने ही किया था। फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए। फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पहले दिन फिल्म ने जो इंडिया में नेट कमाई की वो की लगभग 41 करोड़ 20 लाख रुपए की। फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो रहा लगभग 50 करोड़ रुपए का। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए लगभग 10 करोड़ रुपए। ओवरसीज का ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करूं, तो फिल्म ने अपने पहले दिन 60 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया, तो जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 3800 स्क्रीन
स्क्रीनों पर रिलीज होने के बाद फिल्म इतनी तगड़ी कमाई कर रही है, तो यार आप देखो कितना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। अगर फिल्म 6000 या 7000 स्क्रीनों पर रिलीज होती तो मैं कहता हूं फिल्म की ओपनिंग कम से कम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होती। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सनी देओल की फिल्म गदर 2 आज भी 40 करोड़ रुपए कमा रही है पूरे इंडिया से, 40 करोड़ रुपए दूसरे दिन भी, और कल संडे है, कल बिल्कुल पूरा तूफान मचने वाला है। तो यहां पे अगर दो दिनों के टोटल कलेक्शन की मैं बात करूं तो 81 करोड़ 20 लाख रुपए दो दिनों में नेट हो चुके हैं इंडिया से। टोटल इंडिया में ग्रॉस हो चुका है 96 करोड़, ओवरसीज से लगभग 18 करोड़, यानी कि ओवरसीज का डाटा अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन शाम को मैं ऑफिशियली आपको ओवरसीज से कितना कमाया वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की अगर मैं बात करूं तो गदर 2 दो दिनों में 116 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही, जो कि काबिले तारीफ कलेक्शन है। और यहां पे फिल्म अपना बजट पहले दो दिनों में ही रिकवर कर चुकी है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो दोस्तों ओ माय गॉड 2 या गदर 2 कौन सी फिल्म सबसे बढ़िया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा।